बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सही कहा है लोगों ने, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए चाहिए पैसा, और वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा आएगा सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम से। और उसके अंदर कैसे निवेश करना है, कितना पैसा जमा करना है, कितना पैसा रिटर्न में मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। इसलिए अगर आपको सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी स्कीम की जिसके अंदर आपको 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं और आपको रिटर्न मिलती है पैसा 21 साल के बाद। ये स्कीम यानी सुकन्या समृद्धि योजना आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। ध्यान में रखनी है कुछ बातें। बातें ये कि ये अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक बेटी के लिए खुलता है, गर्ल चाइल्ड के लिए खुलता है। इस सेविंग स्कीम में फैमिली वाले अपनी बेटी के लिए या फिर अपने परिवार की किसी भी बेटी के लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एक परिवार में यानी पति पत्नी और दो बेटियां ऑलरेडी हैं, दोनों के खाते खुले तो तीसरी बेटी का खाता नहीं खुल सकता। लेकिन ऐसे केस में खुल सकता है जब जो सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है वो ट्विंस हो गई, तो पहले एक बेटी और फिर इकट्ठे दो बेटी होने पे तीनों के सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खुल सकते हैं। एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि 21 साल की मैच्योरिटी है, यानी 21 साल उम्र नहीं, जब आपने इस पॉलिसी को लिया, जब आपने स्कीम को लिया, तब से लेके 21 साल पूरे होने के बाद ये पॉलिसी, ये स्कीम मैच्योर होती है। एक और खास बात ये है कि आप किसी भी उम्र में गर्ल चाइल्ड का खाता नहीं खुलवा सकते, इसकी भी लिमिटेशन है। आपकी बच्ची 10 साल से कम होनी चाहिए उसकी उम्र, सिर्फ तभी सुकन्या समृद्धि का खाता खुल सकता है। यानी अप टू 10 ईयर्स ऑफ एज, 10 साल से ऊपर की अगर उम्र होगी तो सुकन्या समृद्धि का खाता नहीं खुल सकता। मान लो अगर आपकी बेटी अभी 5 साल की है तो उसकी मैच्योरिटी होगी 26 साल की उम्र पर, यानी कि 5 + 21 26 साल की उम्र पर उसको ये पैसा वापस मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 50% अमाउंट आप 18 साल की उम्र होते ही ले सकते हो, या तो शादी के लिए या फिर बेटी की पढ़ाई के लिए। PPF की तरह इस स्कीम के अंदर भी मिनिमम और मैक्सिमम सेविंग्स का अमाउंट है। मिनिमम है 250 रुपये एक साल का और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपये, यानी कि आपको साल में एक बार 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक जरूर जमा करने हैं। लेकिन इसमें आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी भी बार जमा कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना टैक्स पेयर पेरेंट्स के लिए बहुत ही अहम सेविंग स्कीम इसलिए भी है क्योंकि इसमें आपको 1.5 लाख रुपये का टैक्स की छूट मिलती है सेक्शन 80C के अंडर। इनफैक्ट सुकन्या समृद्धि योजना एग्जैक्टली लाइक PPF ट्रिपल ई कैटेगरी की सेविंग स्कीम है, यानी कि जो भी पैसा आप जमा करते हो, जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट में आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा, ये सब कम्प्लीटली टैक्स फ्री होगा एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंदर। स्कीम के अंदर आपको 7.6% का ब्याज मिलता है सालाना, और आप इस पैसे को चाहो तो कैश के जरिए, चेक के जरिए, डिमांड ड्राफ्ट के जरिए या फिर ऑनलाइन डिपॉजिट के जरिए भी जमा करा सकते हैं। खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का आधार, पैन कार्ड एक्सेट्रा। स्कीम के 21 साल पूरे होने के बाद आपको पैसा ब्याज समेत वापस मिलेगा, लेकिन आपको पैसा निकालने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, एक ID प्रूफ के साथ, सिटीजनशिप प्रूफ के साथ और एक रेजिडेंस प्रूफ के साथ। और अगर 21 साल के बाद भी आप पैसा नहीं निकालते हैं तो उस जमा राशि के ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज नहीं मिलेगा। अब आइए देखते हैं कि कितना पैसा जमा करने पे कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। यहाँ पर हम लेंगे 3 केस। सबसे पहला केस कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर हर महीने 1000 रुपये जमा करते हैं अपनी बेटी के लिए, तो आपने एक साल में जमा करे 12,000 रुपये, 15 साल के अंदर आपने टोटल पैसे जमा करे 1,80,000 रुपये, इसके ऊपर आपको ब्याज के तौर पर मिला 3,20,000 रुपये और टोटल आपकी बेटी को 21 साल के बाद पैसे मिलेंगे 5 लाख रुपये से ज्यादा। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। मान लो कि अब आप एक महीने में 5,000 रुपये जमा कर रहे हो, तो एक साल में आपने जमा करे 60,000 रुपये और 15 साल में आपने टोटल जमा करे बेटी के लिए 9 लाख रुपये, इस पे आपको मिला 16.5 लाख रुपये से ज्यादा का ब्याज और टोटल आपकी बेटी को 21 साल के बाद मिलेंगे 25 लाख रुपये से भी ज्यादा। अब आते हैं हम केस 3 पे। अगर कोई टैक्स पेयर अपनी बेटी के लिए हर महीने 10,000 रुपये जमा करना चाहे तो उसने एक साल में करा 1,20,000 रुपये और 15 साल में टोटल उसने जमा करे 18 लाख रुपये, ब्याज इसके ऊपर मिला 32 लाख रुपये से ज्यादा और टोटल आपकी बेटी को मिलेगा 21 साल के बाद 50 लाख रुपये से भी ज्यादा। तो ये वो 3 केसेस हैं जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग अमाउंट अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत
सेव कर रहे हैं, जिसे ज़रूरत है वो कम करे, जिसे ज़रूरत ज़्यादा है, ज़्यादा निकाल सकता है तो वो ज़्यादा करे। लेकिन अब जान लेते हैं कि पैसा निकलेगा कैसे, क्योंकि कई केसेस में क्या होता है कि परिवार वालों को या बेटी को पार्शल विड्रॉल यानी कि पॉलिसी के बीच में पैसा निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पॉलिसी की मेच्योरिटी 21 साल की है तो कुछ लोगों को बीच में निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। पार्शल विड्रॉल्स के भी कुछ नियम हैं। सबसे पहला, अगर लड़की आपकी 18 साल की हो जाती है और उसकी शादी करनी है, तब आप उस केस में 50% जितना जमा किया है आपने उसका पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको शादी से 1 महीने पहले या शादी होने के 3 महीने बाद एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए पैसा निकालने के लिए रिक्वेस्ट करनी होगी। पढ़ाई के लिए सिर्फ तब पैसा मिलेगा जब आपकी बेटी 18 साल की हो गई हो और उसने 10th क्लास पास कर ली हो। इसके लिए भी आपको एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर स्कूल का देना होगा। शादी होने पर बेटी का आप चाहें तो अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको 1 महीने से पहले या 3 महीने के बाद अप्लाई करना होगा। अगर किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में लड़की की डेथ हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट देकर गार्जियन को पूरा जमा पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाएगा और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा। पढ़ाई और शादी के लिए भी पैसा बीच में निकालने के ऊपर कोई टैक्स नहीं कटेगा। और अगर बेटी की शादी किसी बाहर देश में हो जाए तो भी अकाउंट आप बंद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी शादी का और सिटीजनशिप प्रूफ दोनों ही सबमिट करने होंगे। इसके साथ ही जब बेटी 18 साल की हो जाती है तो वो अपना सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकती है। ये स्कीम स्पेशली लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों के पोषण के लिए और उनकी डेवलपमेंट के लिए बनाई गई थी। साल 2015 में स्कीम लॉन्च हुई थी। उसके बाद से अब तक अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 साल में पोस्ट ऑफिस में लगभग 33 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खोले जाते हैं और अभी तक टोटल देखा जाए तो भारत में 2.7 करोड़ यानी कि 3.25 करोड़ सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स खुले हुए हैं, फुली ऑपरेशनल। इसका मतलब ये है कि 3.25 करोड़ लोगों ने अपनी बेटियों को फाइनेंशियली सिक्योर कर दिया है सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा कर। तो आप कब अपनी बेटी को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगर आपकी किसी भी तरह से सुकन्या समृद्धि योजना या इसकी प्रोसेस को लेके, इसके पैसे को लेके, इंटरेस्ट को लेके किसी भी तरह के सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, हम उन्हें जल्द ही एड्रेस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने से कभी ना भूलें।